हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत करता हूं दोस्तों आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों कि IRCTC का यहां पे ID पासवर्ड कैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से यहां पे ID बना सकते हैं IRCTC का, जिससे दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ की ट्रेन टिकट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो बुक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ID पासवर्ड का ज़रूरत पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पे फुल प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे दोस्तों अपने मोबाइल से यहाँ पे आप अपना ID पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है IRCTC। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहाँ से डायरेक्ट आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आपको सर्च करना है IRCTC। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेते हैं IRCTC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे IRCTC का जो यहाँ पे एप्लीकेशन है दोस्तों आ चुका है। तो इसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगो वगैरह देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लिया। तो चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे ID पासवर्ड बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन विथ पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा, लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। या उसके बाद यहाँ पे नया इंटरफेस खुल के आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप ID पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ID पासवर्ड बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर यूजर का। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो दोस्तों यहीं पे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करके यहाँ पे आप ID पासवर्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिलअप कैसे करना है चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको मांगा जाता है मोबाइल नंबर, उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी, उसके बाद दोस्तों जो भी आपका यहाँ पे जो यूजर नेम आप रखना चाहते हैं इस यूजर नेम को यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान पे रखना है कि जो आप यूजर नेम डालेंगे दोस्तों पहले से किसी इस यूजर नेम इस नाम से आप नहीं बना होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी है यहाँ पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यूनिक यूजर नेम रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है पासवर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे आपको बना लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप बनाए हैं उसको फिर से यहाँ पे दोबारा यहाँ पे टाइप कर देना है कंफर्म करने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाता है फर्स्ट नाम। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको फर्स्ट नाम टाइप कर देना है, जो भी दोस्तों आपका नाम है यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिडिल नेम ऑप्शनल है तो यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाना है लास्ट नेम। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका टाइटल है यानी कि जो भी दोस्तों नाम के बाद जो भी आप लिखते हैं यहाँ पे अपना यहाँ पे लिख देना है, जो भी आप लिखते हैं कुमार हो सिंह हो जो भी लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जाता है नोटिफिकेशन पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा नंबर वाले पे है दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो दूसरा नंबर पे यहाँ दिख रहा है नेम योर फर्स्ट स्कूल यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर का ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 4 डिजिट का यहाँ पे कोई अंक डाल लेना है, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, जो आपका पर्सनल कोडवर्ड अंक हो या फिर यहाँ पे कोई आपका पिन वगैरह तो यहाँ पे आपको डाल लेना है जो हमेशा आपको याद रहे। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डाल लेना है तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये क्या करना है तो उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे पब्लिक वाले पे सेलेक्ट करता हूँ। आने के दोस्तों मैं आम पब्लिक हूँ तो यहाँ पे पब्लिक सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है नीचे चले आना है, यहाँ पे मैरिज स्टेटस पूछ रहा था आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे यहाँ पे दोस्तों मैं पूरा डिटेल्स अपना जो है दोस्तों यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ।
फिलअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको नेक्स्ट का, तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुल के आ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपका जो दोस्तों यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर दोस्तों आप यहाँ पे डालना चाहते हैं आप यहाँ पे दोबारा अपना एड्रेस को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एरिया का ऑप्शनल आ जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो भी एरिया है जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं इस एरिया का यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट कंट्री में दोस्तों यहाँ पे अपना कंट्री का नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन कोड मांगा जाता था, तो दोस्तों जो भी आपका पिन कोड एरिया का है यहाँ पे अपना पिन कोड टाइप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे सिटी का नाम मांग रहा है, तो दोस्तों जो भी आप सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे स्टेट का नाम डाल लेना है, तो जो भी स्टेट में रहते हैं दोस्तों आपका अपना स्टेट का नाम डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सेलेक्ट पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आपको जो भी आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है दोस्तों यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस का नाम टाइप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाता है दोस्तों मोबाइल नंबर, जो अभी आपके पास मौजूद है वो फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे हमने जो अपना एड्रेस है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे हमने डाल लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना था, यहाँ पे दोस्तों आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है नीचे का, और यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपका यूजर नेम वगैरह यहाँ पे शो कर देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी डाले हैं उसे दोस्तों आपको ओके करके वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट आप बैक चले आइएगा ऑटोमेटिक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे बैक कर देगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, तो दोस्तों यूजर नेम पे दोस्तों जो भी आप यूजर नेम बनाया है उसको यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डाले थे दोस्तों, उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक कैप्चर मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं इस कैप्चर को दोस्तों आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है लॉगिन का ऑप्शन, आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुल के आ जाता है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है यानी कि आईडी पासवर्ड यहाँ पे बनाया दोस्तों, उसको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ओटीपी यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है ओटीपी डाल के। तो दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है और यहाँ पे जो भी आपने ईमेल आईडी डाला है दोस्तों, उस पर दोस्तों ओटीपी यहाँ पे जाएगा। उसके बाद दोस्तों ओटीपी यहाँ पे डाल के जो भी आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा वहाँ पे डाल के, उसके बाद दोस्तों जो भी आपका ईमेल में ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पे डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई क्लिक पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे ओटीपी तभी जाएगा दोस्तों जब यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। तो स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों जो भी मेरा यहाँ पे ओटीपी आया दोस्तों, मैं यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं चलिए वेरीफाई यूजर्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप वेरीफाई यूजर्स पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाता है, और उसके बाद दोस्तों जो भी यहाँ पे आपका ओटीपी यहाँ पे आपने टाइप किया था यानी कि डाला था वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका जो दोस्तों यहाँ पे यूजर नेम बनाया है यहाँ पे आ जाता है। अगर दोस्तों किस तरह से आप यहाँ पे अपना जो यहाँ पे ओटीपी वगैरह यहाँ पे अगर गलत टाइप कर देते हैं तो दोस्तों आपको यहीं पे कैंसिल कर दिया जाता है। तो ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका ओटीपी आएगा दोस्तों यहाँ पे अच्छे तरीके से फिलअप कर लेना है, तभी दोस्तों यहाँ पे आपका वेरीफाई सक्सेसफुल होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप ओके करते हैं उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे अब स्टार्टिंग पेज में आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे जो आपका यूजर नेम यहाँ पे है दोस्तों यूजर आईडी, तो यूजर आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है।
उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे नहीं शो कर रहा तो यहाँ पे जो भी आपका यूजर आई डी यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यूजर आई डी टाइप करने के बाद दोस्तों जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पे बना रखा है यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे आपको कैप्चर मिल जाता है। इस कैप्चर को दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों फिर से आपको लॉग इन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जनरेट पिन करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे 4 डिजिट का यहाँ पे आपको पिन जनरेट कर लेना है, जिससे दोस्तों आप हमेशा के लिए यहाँ पे पिन द्वारा आप इस एप्लीकेशन में लॉग इन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बार बार आईडी यहाँ पे डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आईडी और पासवर्ड। तो चलिए मैं यहाँ पे पिन यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमने यहाँ पे पिन जो है दोस्तों अपना 4 डिजिट का यहाँ पे टाइप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लॉगिन हो जाते हैं सक्सेसफुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे बैक आ चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर रखा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो एप्लीकेशन है दोस्तों यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद दोस्तों चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे नए पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो दोस्तों मैं यहाँ पे 4 डिजिट का यहाँ पे पिन बनाया दोस्तों यहाँ पे डाल के मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे पिन क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आप भी 4 अंक डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अपना यहाँ पे पिन। उसके बाद दोस्तों इस कैप्चर को यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पे वेरीफाई होने लगता है। वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आप सक्सेसफुल यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करके यानी कि बना के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसे यहाँ से आप ट्रेन बुक करना चाहते हैं ट्रेन टिकट, तो आपको ट्रेन पे क्लिक करके आप दोस्तों यहाँ से अपना ट्रेन जो है टिकट दोस्तों यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन में IRCTC एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे दोस्तों आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा, और चैनल पर नया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। इसी तरह से दोस्तों आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।